छतरपुर में तेजाब की फैक्ट्री में भीषण आग, आग से आसपास के घरों को भारी नुकसान। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रयागराज में एक घर की पहली मंजिल में लगी भीषण आग, आग से घर का सारा सामान जलकर हुआ खाक। दमकल दस्ते ने पाया आग पर काबू। बस्ती में हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, खड़ी ट्रक में जा घुसी कार, कार सवार पांच लोगों की मौके पर मौत। सूचना पर मौके पर पहुंचे अधिकारी। गोंडा सड़क हादसे में तेज हुई सियासत, कांग्रेस नेता नकुल दुबे ने पीड़ित परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की, यूपी सरकार पर निशाना साधा। बिजनौर में निजी डॉक्टर की लापरवाही से युवक की गई जान, मृतक के परिजनों ने सड़क पर लगाया जाम। थाना नहटोर के हल्दोर मार्ग के निजी अस्पताल का मामला। देशभर में आज रोशनी के पर्व दीपावली की धूम, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, घर दुकान बाजार पूरी तरीके से रोशनी से नहाए। शाम 5 बजे के बाद लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त। मेरठ में दीपावली की दिख रही है काफी धूम, दिवाली से एक दिन पहले ही लोगों ने दिल खोलकर खरीदारी की, बाजारों में उमड़ी लोगों की भीड़। मेरठ में लोगों ने सोने चांदी की भी खूब खरीदारी की, दीपावली से पहले सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। सीतापुर में दीपावली से पहले ही दिखी रोशनी की बहार, यहाँ चक्रतीर्थ 51,000 दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। चक्रतीर्थ के साथ ही आसपास के सभी मंदिर भी दीपों की रोशनी से नहाए। आज गोरखपुर के वनटांगिया गांव में दीपावली मनाएंगे सीएम योगी, गांव में चल रही है तैयारियां। साल 2007 से अब तक हर बार दीपावली वनटांगिया गांव में मनाते हैं। दीपावली से सीएम योगी आदित्यनाथ दीपावली पर बनटांगिया गांव में मौजूद रहेंगे, इससे पहले ही वहां तैयारियां चल रही हैं, गांव में ही की जा रही है साज सज्जा। आज कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी सीएम करेंगे। प्रयागराज में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अलग तरीके से मनाया दीपावली का जश्न। मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब बच्चों को कराई दीपावली की शॉपिंग, बच्चों को नए कपड़े, जूते, चप्पल, मिठाइयां, खिलौने दिए। केदारनाथ में भी दिख रही दीपावली की धूम, केदारनाथ में दीपावली का पर्व मनाते हुए श्रद्धालु नजर आए। अमरोहा में दिवाली से पहले एक्टिव दिखी पुलिस, एसपी ने भारी पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला, सर्राफा व्यापारियों से भी जाकर संवाद किया। गोंडा में कर्नलगंज के अंदर सरकारी ट्रक से अनाज की हो रही कालाबाजारी, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल, घटना के बाद अधिकारियों में हड़कंप। शामली के कैराना में किसानों का हल्ला बोल, किसानों ने नलकूपों पर लगे मीटर उतार कर किया विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। जालौन में खनन माफियाओं का खौफ, माधवगढ़ एसडीएम और बंगरा चौकी प्रभारी की गाड़ी को माफियाओं ने ट्रक से टक्कर मार दी, हादसे में बाल बाल बचे अधिकारी। अयोध्या में रामलला मंदिर पहुंचे पीएम मोदी, रामलला के पीएम मोदी ने दर्शन किए। पीएम मोदी ने की रामलला की आरती, भगवान श्री राम को पुष्प अर्पित किए, राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने रामलला के मंदिर में दीप जलाया, महंत सत्येंद्र दास ने पीएम मोदी को तिलक लगाया। पीएम मोदी ने रामलला की परिक्रमा भी की, रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने पीएम मोदी को प्रसाद दिया। रामलला के दर्शन कर गर्भगृह से बाहर निकले पीएम मोदी, मंदिर की चौखट पर पीएम ने शीश नवाया, मंदिर में मौजूद दान पात्र में दक्षिणा भी चढ़ाई। पीएम मोदी के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी रामलला की पूजा अर्चना की, राज्यपाल ने भी उतारी रामलला की आरती। रामलला के पूजा के बाद पीएम मोदी ने मंदिर निर्माण का जायजा लिया, सीएम योगी आदित्यनाथ भी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे। अयोध्या राम मंदिर निर्माण में लगने वाली शिलाओं का पीएम मोदी ने किया पूजन, शिला की आरती उतारी, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी रहे मौजूद। राम मंदिर निर्माण तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों ने भी पीएम मोदी का सम्मान किया, पीएम मोदी को राम मंदिर का मॉडल भेंट किया। पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण में लगे लोगों से किया संवाद, मंदिर निर्माण की बारीकियों को लेकर निर्माण में लगे हुए लोगों से भी पीएम ने बात की।
कल देर शाम 6 बजे अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की शुरुआत हुई। दीप जलाने के काम में जुटे थे हजारों वॉलंटियर्स। अयोध्या में 37 घाटों पर 15,76,000 दिए जलाने का नया रिकॉर्ड बना है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में सीएम योगी ने इस रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट दिया। शाम ढलने के साथ ही दीपों की रोशनी से जगमगाने लगे सरयू के घाट। रंगीन लाइट्स, रोशनी के बीच घाट पर फैला दीयों का अलौकिक प्रकाश। इस बार राम की पैड़ी पर बनाया गया 92 दीपों का ब्लॉक। हर ब्लॉक के दीप जलने के बाद जगमग हुए घाट। अंधेरे में दीपों की रोशनी से जगमगाई अयोध्या नगरी। राम की पैड़ी पर एक साथ रोशन हुए लाखों दिए। अद्भुत अलौकिक दिखी रामनगरी अयोध्या। लेजर शो से जगमगाया सरयू घाट। जहां लेजर शो के बाद शुरू हुई आतिशबाजी ने पूरी अयोध्या जगमगा दी। सरयू घाट पर आयोजित लेजर शो को देखने वालों की खासी भीड़ नजर आई। लेजर शो की रंग बिरंगी लाइट्स ने पूरी अयोध्या को जगमग कर दिया। रामकथा पार्क पहुंचे पीएम मोदी। सीएम योगी भी पीएम के साथ रहे मौजूद। कार्यक्रम में मौजूद एक संत के पीएम मोदी ने पांव छुए। अब की बार सरयू घाट पर करीब 20 मिनट तक ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी की गई। पीएम मोदी, सीएम योगी ने सरयू तट पर बने मंच से आतिशबाजी के नजारे को निहारा। पुल घाटों को फूलों और झालरों से सजाया गया। पीएम मोदी ने रामकथा पार्क में श्री राम का किया राज तिलक। माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान का भी किया तिलक। पीएम ने आरती भी उतारी। पीएम मोदी के बाद सीएम योगी ने भी भगवान श्री राम की आरती की। रामकथा पार्क में राम परिवार की सीएम ने आरती उतारी। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि देश में जन कल्याण की धारा को दी जा रही है गति। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दिया खुद जलता है, रोशनी सबको देता है। पीएम मोदी ने भगवान राम को विश्व के लिए ज्योति पुंज बताया। कहा, आज अयोध्या दीपों से जगमग है। दीपक समर्पण का भाव लाता है। रामकथा पार्क में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि राम किसी को पीछे नहीं छोड़ते हैं। रामलला के दर्शन भगवान की कृपा से मिलते हैं। श्री राम ने कर्तव्यों को बल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भगवान श्री राम संकल्प शक्ति को ऊंचाई देंगे। विश्व भर के राम भक्तों को दीपोत्सव की बधाई। हमें अपनी विरासत पर गर्व है। रामकथा पार्क में पीएम बोले कि अयोध्या के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अयोध्या के विकास के लिए करोड़ों की योजनाएं लाए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की भावना का प्रतीक है श्री राम। अयोध्या का विकास नए आयाम को छू रहा है। पीएम मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। पीएम ने कहा, श्री रामलला के दर्शन का सौभाग्य मिला। पीएम मोदी ने कहा कि दीपोत्सव की धूम पूरी दुनिया में है। भगवान श्री राम का राज्य त्याग था, कर्तव्य जीवन का प्रतीक था। कण कण में होते हैं भगवान श्री राम के दर्शन। रामकथा पार्क से सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। कहा, प्रदेशवासियों की तरफ से पीएम का आभार। सीएम योगी ने कहा कि बिना भेदभाव के पीएम देश का विकास कर रहे हैं। आज हर लाभार्थी तक योजनाएं पहुंच रही हैं। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि 10 लाख लोगों को रोजगार देने पर हो रहा है काम। दीपोत्सव देश का उत्सव बन गया है। सीएम योगी ने कहा कि विरासत का सम्मान होना चाहिए। विरासत के सम्मान में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मथुरा वृंदावन में भी विकास हो रहा है। अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर हुआ भरत मिलाप। भरत ने छुए प्रभु श्री राम के पांव। श्री राम ने भरत को लगाया गले। भरत मिलाप के मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया भगवान श्री राम का स्वागत। लक्ष्मण, सीता, भरत का भी स्वागत किया गया। तिलक लगाकर माला पहनाई। भरत मिलाप के मौके पर सीएम योगी ने किया श्री राम का तिलक। लक्ष्मण, सीता और भरत के स्वरूप का भी किया गया तिलक। माला भी पहनाई गई। भरत मिलाप के मौके पर आसमान से पुष्प वर्षा हुई। हेलीकॉप्टर के जरिए ये फूल बरसाए गए। भरत मिलाप के बाद निकाली गई श्री राम की शोभा यात्रा। रथ पर सवार हुए श्री राम, लक्ष्मण, भरत और सीता भी रहे साथ।
शोभा यात्रा के रथ के साथ चलती दिखी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी हुए शामिल। दीपोत्सव के मंच पर पहुंचे श्री राम और माता सीता, मंच पर विराजित हुए लक्ष्मण, भरत और हनुमान, गुरु वशिष्ठ भी साथ रहे मौजूद। मंच पर मौजूद श्री राम का राज तिलक किया गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान, गुरु वशिष्ठ का तिलक किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी किया श्री राम का राज तिलक, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान और गुरु वशिष्ठ को भी तिलक लगाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी भगवान श्री राम का राज तिलक किया, माता सीता, लक्ष्मण, भरत और हनुमान का तिलक किया। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी किया श्री राम का राज तिलक, माता सीता, लक्ष्मण, भरत और हनुमान का भी तिलक किया गया, आरती भी उतारी। राज्य के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने अयोध्या में दीपोत्सव 2022 से पहले भगवान श्री राम की झांकी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, लोक नृत्य पेश कर रहे कलाकारों में जबरदस्त उत्साह दिखा। अयोध्या में शानदार झांकी निकाली गई, झांकी में भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान हनुमान को दिखाया गया। पीएम मोदी के आने से पहले अयोध्या में बीन बजाकर झूमे कलाकार, भगवा रंग में रंगे कलाकारों की वेशभूषा ने लोगों को आकर्षित किया। सजी धजी मटकियां सिर पर रखकर महिला कलाकारों ने किया डांस, झांकी के पास महिला कलाकारों के डांस को मोबाइल में लोगों ने किया कैद। अयोध्या में निकली झांकियों में अलग अलग पारंपरिक नृत्यों की झलक देखने को मिली, कलाकारों ने बुंदेलखंड के झांसी का राई नृत्य भी पेश किया। अयोध्या में निकली झांकियों में बुंदेलखंड की झलक भी देखने को मिली, बुंदेलखंडी नृत्य से कलाकारों ने मन मोह लिया। बुंदेलखंड के कलाकारों ने झांकी के दौरान दिवाली नृत्य किया, दिवाली नृत्य बुंदेलखंड में दिवाली के मौके पर किया जाता है। अयोध्या में झांकियों के दौरान कलाकारों ने धोबिया नृत्य भी पेश किया, धोबिया नृत्य पूर्वांचल में प्रचलित है। अयोध्या में निकली झांकियों से माहौल भक्तिमय हो गया, सड़क पर कलाकारों ने अवधी नृत्य पेश किया। उत्तराखंड से आए कलाकारों ने भी अपने नृत्य से प्रदेश की सांस्कृतिक झलक लोगों को दी, पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, शोभा यात्रा में भगवान राम, मां सीता, लक्ष्मण के स्वरूप दिखाई दिए, साथ ही हनुमान जी का भी स्वरूप शोभा यात्रा में आकर्षित करता नजर आया। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर भक्तिमय माहौल देखा, हनुमान चालीसा गाते हुए कार सेवकों ने बनाई रंगोली। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में आकर्षण का केंद्र बने चाय वाले अशोक कुमार, पीएम मोदी के बहुत बड़े फैन हैं अशोक, बॉडी पेंट करके अयोध्या में बेच रहे हैं चाय, साथ में लेकर चलते हैं डस्टबिन। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रही। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बेसहारा बच्चों संग मनाई दीपावली, बच्चों के साथ नाचते दिखाई दिए मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर सेना के जवानों ने मनाई दिवाली, हाथ में दीप लेकर देशवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। गुजरात के राजकोट में फायर क्रैकर शो का आयोजन, लोगों ने स्टेडियम में ज्यादा तरीके के पटाखे फोड़े, गुजरात के भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल समेत कई नेता मौजूद रहे। गुजरात के कच्छ में दीपोत्सव का अनोखा नजारा, दीपों से जगमगाया स्मृति वन, लोगों ने दीपोत्सव के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। रुद्रपुर में काफिला रोक, मिट्टी के दिए खरीदने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, मिट्टी के दियों की खरीदारी करते नजर आए, कहा मिट्टी से बने दिए स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देते। दिवाली को लेकर रंग बिरंगी लाइटों से रोशनी से जगमगाया नोएडा शहर, सड़कों से लेकर पार्कों में भी लगी लाइटें, नोएडा प्राधिकरण ने तिरंगी लाइटें लगाकर रोशन किया शहर। मेरठ जेल में दीपावली पर बने नई उम्मीद के दिए, महिला बंदियों और पुरुष बंदियों ने दियों के साथ साथ एलईडी बल्ब की झालर भी बनाई, लोकल फॉर वोकल के तहत बंदियों को ट्रेनिंग दी जा रही है।
गाजियाबाद के हाईटेक डासना जेल में कैदी तैयार कर रहे दीप और मोमबत्ती। जेल अधीक्षक आलोक सिंह ने कहा कि बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सिखाए जा रहे कार्य। जोशीमठ में दीपावली को लेकर बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है। मंदिर की सुंदरता देखते ही बन रही है। बद्रीनाथ धाम में अभी तक 16.5 लाख से अधिक यात्री बद्री विशाल के दर्शन कर चुके। गुजरात के राजकोट में दीपावली की खरीदारी में जबरदस्त उछाल से रंगोली व्यापारियों में उत्साह है। बीते साल की तुलना में दोगुनी बिक्री होने से कारोबारी खुश। हरियाणा के अंबाला में स्कूली बच्चों ने ग्रीन पटाखों की प्रदर्शनी लगाई। पटाखों में गन पाउडर की जगह पौधों के बीज डाले, इको फ्रेंडली दीपावली का संदेश दिया। दीपावली के मौके पर दीयों से सजे हापुड़ के बाजार, अच्छी बिक्री से कुम्हारों के चेहरे खिले। बच्चे भी मिट्टी के दिए और मट्टी बनाते देखे। गुंडा में दिवाली को लेकर भगवान गणेश, मां लक्ष्मी की मूर्ति के साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी खरीदते दिखे लोग। दुकानों में बिक रही है रंग बिरंगी झालर। कोरोना काल के बीतने के बाद इस बार कानपुर में पटाखों का बाजार है गुलजार। अपने माता पिता के साथ यहाँ पटाखे खरीदने पहुंचते छोटे छोटे बच्चे दिखे। खटीवा में सीएम पुष्कर सिंह धामी को बधाई देने वालों का तांता लगा। सीएम आवास पर दीपावली की शुभकामनाएं देने पहुंचे लोग। सीएम ने भी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। सीएम ने इस दौरान कई लोगों से उनकी परेशानी भी जानी, अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। कल देर रात देहरादून से खटीवा पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। जोशीमठ में धनतेरस पर हुई भगवान कुबेर की विशेष पूजा अर्चना। चमोली के पांडुकेश्वर और बद्री काश्रम में होती है भगवान कुबेर की पूजा। दिवाली को लेकर रुद्रपुर के बाजार में दिख रही है रौनक। लोग जमकर कर रहे खरीदारी। धनतेरस से लेकर दीपावली तक हो रही बंपर खरीदारी। विशेष ऑफर से बाजार है गुलजार। पीलीभीत में धनतेरस और दीपावली को लेकर बाजार गुलजार। करोड़ों का सर्राफा बाजार। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी जमकर खरीदे गए। महंगाई के बावजूद बाजार में रौनक दिखी। अल्मोड़ा में धनतेरस पर बर्तनों की जमकर हुई खरीदारी। तांबे और स्टील के बर्तनों के साथ मिठाई और मिट्टी के दिए, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां और मिट्टी की दीपावली से खरीदारी भी बने आइटम से हो रही। केदारनाथ में धूमधाम से मनाई जा रही दीपावली। 25 अक्टूबर को ग्रहण काल में केदारनाथ मंदिर सहित सभी छोटे बड़े मंदिरों के कपाट बंद रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।